सुनाने के लिए तो कुछ नया नहीं होता है आंटी, लेकिन महाराज का गुणगान कितनी बार भी कर दे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि संगत मुझे बर्दाश्त कैसे कर पाती है। इतनी इतनी ज्यादा बार एक ही चीज को आप लोग कैसे सुन सकते हैं? लेकिन जब तक आप सुनने के लिए तैयार हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। काफी देर से सोच रहा था मैं आज क्या शेयर करूं, और फिर एक थ्रेड मिला और मैंने उसका कोना पकड़ाया। लेट्स सी वेयर वी गो, वहां से शुरू करते। एम्पायर स्टेट में महाराज के दरबारे में जब जाना शुरू किया तो बड़ा सिंपल सा रूटीन रहता। आप गए, अपने शूज उतारे, हैंड वॉश किए, अंदर गए, महाराज को मत्था टेका, बैठ गए, चाय प्रसाद लिया, हलवा प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद जब हुक्म हुआ तब रिलक्टेंटली, क्योंकि महाराज के दरबार से किसी के जाने की तो कोई इच्छा नहीं, आप अपने घर को गए। और इस उम्मीद के साथ कि अगले सैटरडे फिर से महाराज के दरबार में होंगे। हमारी सारी लाइफ सैटरडे से सैटरडे चलती थी, बीच में जो कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, यहां तक कि जब मैं फॉरेन ट्रेवल पे भी रहता था तो ये मैंडेटरी था कि फ्राइडे की रात को मैं वापस आ जाऊं। और आप संडे से मुझे कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं सैटरडे को कहीं नहीं। जैसे एडिक्शन होता है ना, उस तरह से, जैसे आपको थोड़े थोड़े समय पे अपने मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करनी होती है, करीब करीब उसी तरीके से। सेवादार होते थे और आपको लगता था कभी कभी ऐसा मौका मिलेगा कि आपको कुछ तो सेवा करने को मिलेगी, और नहीं मिलती थी। आप चारों तरफ सब सेवादारों को अपनी अपनी सेवा करते देखते थे, और उनकी तो ड्यूटी फिक्स थी, और जैसे हम आना नहीं छोड़ते, उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़नी किसी भी कीमत। तो एक दिन जब मुझे कर्नल जोशी अंकल ने कहा कि गुरुजी चटर्जी अंकल को बुला रहे, जरा उनको मैसेज दे दो, तो मुझे लगा पहली बार मुझे कुछ महाराज के दरबार में करने को मिला, तो बहुत एक्साइटमेंट हुआ। भाग के गया, नीचे तो थे ही नहीं अंकल, मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, शूज जहां पे थे वहां पे गया, हाथ धोते थे वहां गया, टॉयलेट की तरफ देखा, और जब चारों तरफ बाहर सड़क पे भी देख के अंकल नहीं मिले तो मैं वापस डिसअपॉइंटेड कि काम ठीक से नहीं कर पाया, और आके कर्नल जोशी अंकल को बता दिया कि अंकल तो नहीं आए। उन्होंने गुरुजी को बता दिया, गुरुजी ने उनको बताया कि नहीं, वो आया है, और करीब 50 मीटर दूर टर्न के ऊपर एक व्हाइट एम्बेसडर है, वो उसके पीछे खड़ा है। सो आई गॉट द मैसेज अगेन एंड आई वेंट लुकिंग फॉर द एम्बेसडर, इट वॉज देयर, और अंकल उसके पीछे खड़े थे, और मैंने उनको गुरु का मैसेज दिया। अंकल जल्दी से वापस आए महाराज के दरबार में और मेरी सेवा पूरी। सेवा तो बहाना था, ये रियलाइजेशन उस दिन पहली बार हुआ कि गुरु को तो पता रहता है तुम कहां और क्या कर। ये जितना सेल्फ एश्योरिंग था उतना ही स्केरी भी था। गुरु इज नॉट अराउंड यू व्हेन यू जस्ट वांट हिम टू बी, ही इज अराउंड यू इवन व्हेन यू रादर नॉट वांट हिम अराउंड। So there is no escape. The switch is either on or off. And once it has been switched on, it has been switched on. Guru tab bhi sun rahe hote jab aap ghar mein pyar se behave kar rahe hote, Guru tab bhi sun rahe hote jab aap ghar mein klesh kar rahe hote. He is a constant witness to what is happening in your life. गुरु हर जगह है, ये रियलाइजेशन
आगे बढ़ते, मैं और आंटी फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गए क्योंकि हम लोग उस समय तक पुरानी संगत बन गए थे। अब लिमिटेड स्पेस में गुरु के सामने नई संगत बैठेगी तो हम सारे फर्स्ट फ्लोर पे चुप से बैठे रहते थे। और बात कुछ करना नहीं, लेकिन काफी दिन जब हुए आंटी ने मेरे कान में विस्पर किया, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन इनकी रिलेवेंस कभी खत्म नहीं होती, तो आपको इसे फिर से सुनना होगा। आंटी ने कहा, एक शब्द नहीं सुना, बहुत दिन हो गए। महाराज ने सुनवाया ही नहीं। शब्द था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिखे। तो मैंने कहा हाँ, वैसे भी मुझे बहुत याद नहीं रहता, तो मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देता हूं। ठीक ही कह, लेकिन 10-15 सेकंड के बाद में जो शब्द चल रहा था वो बंद हो गया और ये वाला शब्द चालू। एंड वी लुक्ड एट ईच अदर एंड आई सेड, ये कैसे हुआ? गूज बम्प्स आ गए। हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, आंटी जस्ट विस्पर्स इन माय ईयर, दूर दूर तक कोई और नहीं है। एंड सडनली दिस हैपेंस। तो लंगर के बाद में अपने राजेंद्र सिंह अंकल, जिन्हें हम प्यार से और इज्जत से डीजे अंकल भी कहते थे, पर उनके सामने नहीं कहते थे। अंकल वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज सेवा और वो डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनके पास कम से कम मैं नहीं जाता। लेकिन उस दिन हिम्मत करके लंगर के बाद में आज्ञा मिलने के समय मैं उनके पास गया और हाथ जोड़ के बोला, अंकल वो शब्द चेंज हुआ था। नॉर्मली ही वोंट रिप्लाई एंड आई वाज थिंकिंग ही विल शो मी अवे। उन्हें डिस्टरबेंस पसंद नहीं था एंड वेरी राइटली सो। मगर उस दिन उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, बोले हाँ वो गुरुजी ने बोला था। अब गुरुजी आसन पे रूम के एक कोने में, अंकल म्यूजिक सिस्टम के पास रूम के दूसरे कोने में। तो मैंने, अंकल कैसे? बोले मैंने गुरुजी को देखा और मुझे पता चल गया शब्द चेंज होना, तो मैंने कर दिया। Then I said, अंकल वो, बल्कि कुछ कहा नहीं, मैं सोच रहा था कि हमारे पास सीडी थोड़ा ही थी कि शब्द ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया जा सकता है। उस जमाने में कैसेट्स होते थे। अब ये शब्द कैसेट में कहां पे है, किसको पता है? बट वो वहां था और उन्होंने वो चेंज किया और वो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू। एंड दैट वाज दैट। उसके बाद मैं सोचता रहा, मैं सो नहीं पाया। गुरु ने ये तभी किया या उन्हें ये भी पता था कि हम दोनों ऐसा सोचेंगे और ये चेंज करना होगा, इसलिए कैसे तुम्हें ये शब्द उस जगह से बोलना चाहिए पहले से एडजस्ट और फिर ये चेंज कराया जाए। छोटी सी बात है ना, लेकिन मैसेज कितना बड़ा है। नॉट ओनली ही नोज, ही कैन नॉट ओनली प्रिडिक्ट, ही कैन मेक इट हैपन एंड ही कैन मेक इट हैपन इन एडवांस। जब अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि ये जो तू लड़ाई लड़ने वाला है बच्चे, ये तू लड़ चुका है, आई हैव ऑलरेडी मेड इट हैपन, क्या फर्क है दोनों में? एंड देन रियलाइज की पहला रियलाइजेशन है गुरु जी सब जगह हैं, दूसरा रियलाइजेशन हुआ अब जानते हैं
और तीसरा रियलाइजेशन ये होगा कि सब कुछ महाराज के नियंत्रण में है, ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट हैपेंस हैपेंस बिकॉज ही हैज मेड इट हैपन। आपको वो चीज तब पता चलती है जब आपके साथ वो हो रही होती है, लेकिन महाराज को वो तब पता होती है, आपको पता भी नहीं होता है कि क्या पता हो। दैट रियलाइजेशन गिव्स यू दैट वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। एक तरह से आपको ये भी होता है कि आप कहाँ हैं, किसके दरबार में है। इसके अलावा खूब सारे एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन ये अब भी इसने ये बताया कि ये जो सामने बैठे इनसे परे कुछ नहीं। और फिर अंकल सॉरी, आप जब अपने थोड़े राइट पे होते हैं तो आपकी आवाज बेटर आती है। हाँ ठीक है आंटी जी, जी अब ठीक है। हाँ जी ओके, मैं थोड़ा पास हूँ। मैं थोड़ा सा डर गया, ये शिव है, ये रियलाइजेशन जिस तरह से आज आपको है मुझे नहीं था, लेकिन ये कुछ और है, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं, और ईश्वर तत्व इनके अंदर है। ये रियलाइजेशन डराने के लिए का, गुरु के सामने जैसे वस्त्र में आप सोल के लेवल पे कपड़ों के बिना, क्योंकि उनसे फिर कुछ छुपा। मुझे अभी भी लगता याद आता है कि कई बार मैं सोचता था महाराज ने मुझे क्या देखा, और हो सकता है गलती से बुला लिया मगर भगा देंगे थोड़े, लेकिन वो भगाया नहीं। वो इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई गुण, वो इसलिए कि वो शिव है, और जो किसी के पास जाने के लायक नहीं होता वो कहां जाए। वो शिव के पास है, शिव के दरवाजे तो सबके लिए खुले। एक बार ये एश्योरेंस आ गई कि ये मेरे गुरु हैं, और गुरु ने मुझे स्वीकार किया, मैंने नहीं गुरु को स्वीकार, मैं कौन होता। गुरु ने ढूंढ लिया, बुला लिया, अपने से जोड़ लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जैसे कहते ना, दुल्हन वही जो पिया बन जाए। एक बार गुरु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप तो फिर, और दैट रियलाइजेशन टू लिटिल टाइम, बट बहुत कंफर्टिंग हो गया। गुरु को आपको जिस तरीके से जोड़ना है, आपको गुरु उस तरीके से जोड़ ले। जितना जोड़ना है उतना जोड़ ले, जितनी ब्लेसिंग देनी है उतनी ब्लेसिंग दे। आप जो मांगेंगे आपको दे दे। लेकिन आज सुबह मेरे पास एक मैसेज आया, एक आंटी ने पूछा मुझसे कि अंकल गुरु से क्या मांगना चाहिए। पहले मैंने सोचा क्या बोलूंगा, फिर अब जवाब तो देना ही था, और मेरी समझ में जो आया वो मैंने जवाब दिया, और मैंने केवल गुरु को अगर मांग ले और अगर गुरु मिल जाए तो फिर गुरु से ये प्रार्थना कीजिए, महाराज अब आप मिल ही गए हैं तो ऐसी ब्लेसिंग भी कर दो आपको। क्या आई मस्ट फॉल इन लव विद यू, मेरा आपके बिना गुजारा ना, तू बिसरे मैं मर जाऊंगा, उस तरह की फीलिंग। आपको मैं भूलू नहीं, मेरी एग्जिस्टेंस आपके बिना हो ही नहीं,
मैं आपके बिना अधूरा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। ऐसा एक कनेक्शन। सॉरी अंकल, आवाज फिर से वैसी हो रही है। या आई थिंक अब बेटर होगी शायद। ठीक है आंटी, मैं हाँ जी परफेक्ट, हाँ जी थैंक यू। एक बार क्या हुआ कि ये भी मैं सुना चुका हूं, लेकिन आप इसे फिर से सुने। विजय पुष्करना अंकल को एक जगह चाहिए थी हुडा से मंदिर के लिए। वो मिल नहीं रही थी और तब तक वो गुरु से जुड़े नहीं थे। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा मेरे गुरुजी के पास चलिए। गुरुजी को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी फाइल बनाई, लेटर्स रखे, पेपर वर्क रखा और अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए। महाराज ने कुछ नहीं देखा, उनको देखते बोले कल्याण। मैंने उनको इशारा किया कि ब्लेसिंग मिल चुकी है, अब आप चलें। उन्हें यकीन नहीं हुआ, महाराज को कैसे नहीं समझाया तो किससे बोलेंगे कि भाई इन्हें जमीन दे दो। लेकिन कुछ नहीं, थोड़े दिनों में उनके पास एक अलॉटमेंट लेटर आ गया। जमीन मिल गई। मेरे मन में आया महाराज ने ये मंदिर ब्लेस किया है, वो भी पड़ोस में है बिल्कुल, मुझे भी वहां जाना चाहिए और जुड़ना चाहिए। और प्रॉम्प्टली शाम को सिंगला अंकल का फोन आया कि अंकल गुरुजी ने बोला कमांडर से बोलना, उसे वहां नहीं जाना है, उसे यहीं आना है गुरु के पास। जिन्हें गुरु पकड़ लेते हैं ना, उनको फिर इधर उधर भी नहीं जाने देते। एक आंटी सत्संग कर रही थी बहुत पहले, शायद सबीना आंटी, उन्होंने बताया था और मैंने उनसे पहली बार ये सुना कि गुरुजी ने बोला कि अगर तुम अपने घोड़े की लगाम मुझे दे दोगे तो मैं उसे सीधा चलाऊंगा, सीधा हाकूंगा, आई विल ड्राइव इट स्ट्रेट। और ये फीलिंग कि घोड़े की लगाम गुरु के हाथ में देनी है, ये भी गुरु ही दिलवा देते, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता। और जब वो लगाम महाराज के हाथ में आ जाती है तो फिर वो आपको इधर उधर भटकने नहीं देते। मेरे लिए दैट वॉज द क्लियरेस्ट मैसेज कि तुझे और कहीं नहीं जाना, तेरी जगह यही है गुरु के चरण। एंड आई हैव स्टक टू दैट डायरेक्टिव। मुझे अब कोई लालच भी नहीं है। कुछ इस तरीके से महाराज ने फौजी होना इस मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग हो जाए, सिखा दिया जाए, वो फिर दाएं बाएं नहीं जाते। दिमाग का इस्तेमाल फौजी वैसे ही नहीं करता, और गुरुजी ने कहा कि दिमाग को यूज नहीं करना, अकल दूर छोड़ो, अपने पास तो थी नहीं इसलिए छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आसान हो गया। बट जिसको गुरु से जुड़ना है उसको फिर गुरु से जुड़ना है, फिर इधर उधर नहीं। फिर क्या हुआ, जब गुरु ने उस मंदिर में जाने नहीं दिया या जाना सही नहीं समझा तो फिर बाकी चीजें भी छूट गई। अब मैं रिलीजियस होने के तरीके से कुछ नहीं करता,
कुछ नहीं करता हूं, मतलब कुछ नहीं करता। मुझे जरूरत ही नहीं है। रिचुअल से आपको कुछ लेना होता है ना, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, और जिसके पास गुरु ऑलरेडी है वो क्या करके क्या पाएगा, किस लिए कुछ भी करेगा। और गुरु है इसलिए थोड़ा कि आपने कुछ किया था, गुरु है कि क्योंकि गुरु ने डिसाइड कर दिया कि मैं होऊंगा तुम्हारी जिंदगी। अब मैं उनको कहां ढूंढूं, कुछ भी करके क्या करूंगा। महाराज ने कहा मेरे पास आओ, तुम्हें कहां ढूंढूं। हमारा गुरु तो हम सबके दिल में है। कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे जगमाए, गुरु की खुशबू जो आपके अंदर से आ रही है आप उसको दुनिया में ढूंढेंगे, आप उसको रिचुअल्स में ढूंढेंगे, आप उसको दरबार में ढूंढेंगे, आप उसे मंत्र जाप में ढूंढेंगे, आप उसे लंगर में ढूंढेंगे, आप उसे चाय प्रसाद में ढूंढेंगे, ढूंढिए मिलेंगे, लेकिन वो तो आपके अंदर ऑलरेडी है। मैं उन्हें कहां ढूंढूं जो ऑलरेडी मेरे पास। इसलिए आई हैव नेवर फेल्ट एनी नीड टू एक्सटर्नली कनेक्ट टू गुरु, कनेक्ट टू अ प्रोसेस इवन रिमोटली। उस प्रोसेस का दिखावा भी नहीं करते। कहते ना मंदिर तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मन मंदिर है ना, द टेम्पल इन योर हार्ट, दैट इज वेयर गुरु शुड ऑलवेज बी देयर। इफ ही इज नॉट देयर तो बाकी जगह आप लगे रहो, और वहां है तो बाकी जगह लगने की जरूरत नहीं। आप जहां है ना गुरु के पास है, आप जैसे भी हैं गुरु की वजह से है। आप सत्संग में हैं तो आप गुरु के पास है, आप किचन में हैं तो आप गुरु के पास है, आप सो रहे हैं तो आप गुरु के पास है, आप झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, तो भी गुरु के पास है। तो दैट रिमाइंड्स मी, क्योंकि घर में कोई दरबार नहीं है तो आंटी ने अपने किचन में कोने में महाराज को रखा हुआ है। शी सेज गुरु जी मेरे साथ मेरे ऑफिस में रहते हैं। And that works for us. But then there is no movement. तो आपको अगर कभी मन में ये आ जाए कि हम इन चीजों से जुड़ जाएं, जिन चीजों से जुड़ने की वजह से हमें गुरु मिल जाएंगे, या हम इस संगत से जुड़ जाएं और इस संगत से जुड़ने की वजह से गुरु मिल जाएं, क्या लगता है आपको? Being with Guru is a state of mind. It is not a state of action. अगर और कुछ नहीं, इस चीज को मन में धारण करें, अभी जो चाहे करें। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दिल में हनुमान जी के लिए उन्होंने कहा था कि आप अपने हृदय में श्री राम को धारण करके जो चाहे करें। Being with Guru is not a state of action. It's a state of mind. It's a state of soul. Being one with Him is very internal to you. My auntie has her personal connection. I have my own. And she connects to Guruji in a very different way.
ऑन ओकेजन शी विल टेल मी आज मैं गुरुजी से बहुत लड़ी एंड आई लुक एट हर हे भगवान ऐसे कौन लोग होते हैं जो गुरु से लड़ लेते हैं बट दैट्स हर कनेक्ट आई डोंट एनवी हर बट मैं तो सोच भी नहीं सकता लड़ना तू पागल है बट देन शी इज कंफर्टेबल एंड गुरु टेक्स इट आंटियों को जितनी फ्रीडम महाराज ने दी है अपने साथ झगड़ा कराने की उतनी तो मैं सोच नहीं सकता हूं बट दैट्स हाउ इट इज Because he loves you, he lets you fight with him. सोचो fighting कौन से ritual में आती है ये कौन सा सत्संग है भाई जिसमें आप अपने गुरु से लड़ सकते हैं लेकिन ये connect है Those who love can fight also. लेकिन मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा महाराज से मेरा कनेक्ट है दूसरे का कनेक्ट है अगर आप चाय प्रसाद के थ्रू जुड़े हैं गुड लक टू यू भाई आप मंदिर के थ्रू जुड़े हैं गुड लक टू यू आप दरबार के थ्रू जुड़े हैं बेस्ट बहुत बढ़िया कुछ गलत नहीं है लेकिन सबका अपना अपना है और वो अपना भी महाराज डिसाइड लेकिन इसलिए मत एक काम कीजिए क्योंकि दूसरा कर रहा है उसके यहां ये बजता है इसलिए मेरे सत्संग में ये बजना चाहिए वो लोग ताली बजाते हैं इसलिए हमें ताली बजाना चाहिए वो लोग तो इतनी बार आरती करते और मैंने सुना अब तो चाय बनाने का भी एक प्रोसीजर हो गया है कितने उबाल आने चाहिए कितने उफान आके उसको वापस जाना चाहिए क्या कह सकता हूं बट ये उनका अपना कनेक्ट लेकिन आप चक्कर में मत पड़िए लंगर में कितनी सब्जी हो कौन सा वाला हो कौन सा नहीं हो गाजर के हलवे के लिए गाजर आप दाएं हाथ से छीलेंगे कि बाएं हाथ से अब ये रिचुअल कहां तक जा सकता बट आप मत इस चक्कर में पड़िए आप यहां से जुड़िए इफ गुरु लेट्स यू कनेक्ट हार्ट टू हार्ट जस्ट कनेक्ट हार्ट टू हार्ट गुरु से कुछ मांगना है तो गुरु के चरणों में प्यार मांग लीजिए महाराज जस्ट लेट मी फॉल इन लव विद यू मैं आपसे प्यार करूं और कुछ करने की जरूरत नहीं प्रोसेस वहीं तक ठीक है जहां पे नई संगत गुरु से जुड़ने की कोशिश कर रही है और गुरु से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मान के चल लीजिए कि ये सारी प्रोसेस ए फॉर एप्पल का एप्पल है छोटे बच्चे के लिए ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट डी फॉर डॉग बट आपको जल्दी ही पता चल जाना चाहिए कि एक्चुअली एप्पल का ए से कुछ लेना देना नहीं है इवेंचुअली ए विल बी ए एंड एप्पल विल बी गॉन एंड देन दैट ए विल फॉर्म वर्ड्स एंड दोज वर्ड्स विल बिकम सेंटेंसेस एंड दोज सेंटेंसेस विल बिकम इंफॉर्मेशन टेक्स्ट And that information will have to be assimilated in you. Where is apple in it? लेकिन apple से शुरू ना करते तो ये समझ में ना आता तो इन चीजों की importance तो है but eventually connect तो महाराज से हो सत्संग essentially means to be with the truth. सच का साथ Be truthfully connected to Maharaj. That's all. एक बार क्या हुआ हम लोगों को जब गुरुजी ने गुड़गांव में सत्संग करने को बोल दिया तो हम लोग
सत्संग किया करते थे और घरों में होता था। ऑन वन ओकेजन इट वॉज माई टर्न टू हैव सत्संग एट माई होम और महाराज का मैसेज आया कि कमांडर से बोलो आज बड़ी जगह सत्संग करे क्योंकि संगत ज्यादा आएगी। हम लोगों ने पहली बार कम्युनिटी सेंटर में जलवाई टावर्स में सत्संग कर लिया, संगत वाकई ज्यादा आई। महाराज एम्पायर स्टेट में बैठे थे, उन्होंने संगत को बताया कि आज कमांडर के यहाँ सत्संग था और इतनी संगत आई। हमें से किसी बेवकूफ ने प्लेट भी काउंट कर ली। फिर महाराज गलत थोड़े होते और संगत उसी तरीके से आई। एक रियलाइजेशन में होगा कि जब महाराज का आप सत्संग करते हैं, ही इज नॉट जस्ट कीपिंग ट्रैक, ही कंट्रोल्स इट, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ही एक्चुअली प्रिसाइड्स ओवर दी सत्संग, ही पार्टिसिपेट्स इन सत्संग, ही लिसन्स टू व्हाट वी आर सेइंग। एंड डिवोटीज जिन्हें ये लगता है सत्संग केवल उनके आपस के बीच में है, देयर इज नथिंग फार्देस्ट फ्रॉम ट्रुथ, द सत्संग इज विद गुरु प्रेजाइडिंग ओवर इट। हम गुरु जी को सुना रहे होते हैं और संगत में भी गुरु बसते हैं, इसलिए जब हम एक दूसरे को भी सुनाते हैं हम सुनाते गुरु जी को ही हैं। I can go on, लेकिन मेरे ख्याल से अगर पॉसिबल हो तो गुरु से डायरेक्ट जुड़िए। यहां तक कि एट द एक्सट्रीम एंड आप खुद भी अपने और गुरु के बीच में हैं, अपने आप को भी मत आने दीजिए गुरु के और अपने बीच। जस्ट डोंट लेट एनीथिंग, देर इज नथिंग टू से, देर इज नथिंग टू लिसन, नथिंग टू टॉक, नथिंग टू कंप्लेन। जैसे हैं गुरु की शरण में है और बहुत बढ़िया है। आई विल जस्ट end with that those few lines from that song from 1942 love story, kuch na kaho kuch bhi na kaho, kya kehna hai kya sunna hai, mujhko pata hai tumko pata hai, samay ka ye pal tham sa gaya hai aur is pal mein koi nahi hai, bas ek tum ho bas ek main ho। Jis din aapko ye feel aa jaye कि आपके गुरु के अलावा और कुछ है ही नहीं, दैट विल बी द डे आप महाराज के और महाराज आपके हो जाए। महाराज से जुड़े रहिए हमेशा, महाराज से प्यार कीजिए, और कुछ मांगिए मत। जिनको गुरु ही मिल गया उनके पास मांगने के लिए बचा क्या है, व्हाट इज देयर लेफ्ट। संगत जी एक बार फिर पेशेंटली सुनने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।